नमस्ते, आप सबको मेरी सिंपल चैनल में स्वागत। इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वही है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक ज्यादातर ज्यादा अर्थमेटिक प्रॉब्लम में यूज होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स, बोटन स्कीम्स, टाइम एंड डिस्टेंस एंड पार्टनरशिप। ये वाले शॉर्टकट में हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके वही प्रॉब्लम में हमें यूज करेंगे। अभी देखेंगे इस टेबल में परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको हमें जरूर याद करना ही होगा। ये वाले टेबल याद करने से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अभी पहले देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम 40% लेंगे। 40% को कैसे लिख सकते हैं? 40% को 40/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2/5। अभी 60% को 60/100 आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 3 2 6 एंड 5 2 10। ठीक है, अभी 35% को कैसे लिख सकते हैं? 35/100 कैंसिल होने से 7 5 35 2 5 10 एंड 0 20। यही है फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करना का मेथड यही है। अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे हमें। तो पहला क्वेश्चन, If 16.67% of a number is added with itself, then result becomes 630. Find the original number. ए वाले क्वेश्चन में पहले हम 16.67% को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे। 16.67% क्या है? 1/6। अभी a number is added with itself. 6 का 16.67% क्या होगा? 1 होगा। इस 6 है ओरिजिनल नंबर, 6 है ओरिजिनल नंबर, इसका 16.67% क्या है? 1/6 है। ये 6 का 1/6 क्या होगा? 1 होगा। 1 को एडेड विद इटसेल्फ, वो नंबर से जुड़ाना है। 1 और 6, 1 + 6 क्या होगा? 7 होगा। अभी क्वेश्चन में क्या दिए हैं? द रिजल्ट बिकम 630। 7 क्या है? 7 ही 6:30 है। हमें क्या फाइंड आउट करना? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? 6 है। अभी 7 6:30 है तो एक पार्ट क्या होगा? 6:30/7 वही है 90। अभी एक पार्ट 90 होगा तो हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर क्या है? 6। 6 पार्ट क्या होगा? 6 × 90 = 560। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। A man spends 10% of his total income in traveling and 12.5% of the rest spent in food and he is still left with ₹2,520. Find this income. ए वाले क्वेश्चन पहले हम नॉर्मल मेथड से करेंगे और देखेंगे नॉर्मल मेथड में कितना टाइम लगेगा और शॉर्टकट में कितना टाइम लगेगा। अभी इनकम है ना, इनकम पूछा है, पहले इनकम को एक्स रखेंगे हम और उसके बाद 10% तो उन्होंने स्पेंड किया। अभी बाकी कितना होगा? 100 - 10 = 90 होगा बाकी इनके इसके पास। और उसके बाद 12.5% इसने खाने के लिए खर्च किया। अभी बाकी कितना होगा? 100 - 12 तो 87.5 आएगा और बाकी इसके हाथ में 2520 है। अभी इसको सॉल्व करने से हमें x मिल जाएगा। x क्या है? वही है इनकम। अभी इसमें डेसिमल पॉइंट है इसलिए हमें (10)(10) करना होगा और उसके बाद ए वाला जीरो काट हो जाएगा। अभी 9 है ना, 9 और 2 9 = 18, 8 9 = 72 और 0। अभी x क्या होगा? 8 × 80 × 1000 × 10, नीचे क्या आएगा? 875।
ठीक है, अभी 875 और 28 55725, इसके बाद 65730, 1575, देन 75735, देन 55725, इसके बाद ये और 1000 को कैंसिल करने से 200 आएगा ऊपर, नीचे 35, और 35 को 56 को 720 से कैंसिल करने से इधर 8 आएगा और इधर 5, और 5 और 10 को इधर 2. अभी क्या है, 8 इंटू 200 इंटू 2 क्या आएगा, 3200 ही इनका. मैं एक नॉर्मल मेथड से हमने ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किए. अभी देखो शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे. अभी इधर क्या है, 10%, 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं हम, 1/10, ठीक है. इसके बाद इसके पास 10 पार्ट्स था और एक पार्ट को उसने ट्रैवलिंग के लिए खर्च किया और बाकी कितना होगा, 9 पार्ट्स होगा, ठीक है. और 12.5% को कैसे लिख सकते हैं, 1/8, ठीक है. इसके पास 8 पार्ट्स है, इसमें एक को खर्च किया, बाकी कितना होगा, 7 होगा, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 80 आएगा और 9 7 7 63, 80 है उसका इनकम, 63 तो बचा हुआ है. अभी 63 पार्ट्स किसका इक्वल है, 2520. सो 63 पार्ट्स को 2520 हमें एक पार्ट फाइंडर करना है. एक पार्ट क्या है, 2520 डिवाइडेड बाई 63 क्या होगा, 40 होगा. अभी एक पार्ट तो 40, हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए. इनकम क्या है, 80 पार्ट्स है. सो 80 इंटू 40 3200. देखो कितने आसान से ये वाला प्रॉब्लम आ गया. अभी इतना सेवन हमने पहला नॉर्मल मेथड में 5 से कैंसिल किया और दूसरी बार 5 से, उसके बाद 7 से कैंसिल किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा. अभी देखो ये वाले प्रॉब्लम एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज को फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके हमें जल्दी करनी है. इसके लिए टाइम देखो बहुत कम लगा. सो अभी ये वाले टेक्निक हमें समझने से एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज कितना जल्दी कर लेते हैं, उसी के टाइम से ये वाले प्रॉब्लम भी हमें अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 10% सॉल्ट. इफ 25 लीटर ऑफ वाटर इज एवोपरेटर देन सॉल्ट बिकम्स 35%. फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन. अभी इसमें क्या क्या है, इस सॉल्यूशन में क्या है, अभी सॉल्ट और पानी है, ठीक है. 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10. अभी सॉल्यूशन तो 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स में एक पार्ट क्या है, सॉल्ट है. सो एक पार्ट सॉल्ट होगा तो 9 पार्ट्स वाटर होगा. और उसके बाद 25 लीटर का पानी तो एवोपरेट हो गया. अभी सॉल्ट कितना परसेंटेज है, 35%. 35% तो 35/100 आएगा और उसके बाद 7/20 है, ठीक है. 20 पार्ट्स तो सॉल्यूशन है, इसमें 7 पार्ट्स सॉल्ट है, 7 पार्ट्स सॉल्ट है, तो बाकी 13 पार्ट्स तो वाटर होगा. सिर्फ इसमें वाटर ही एवोपरेट होता है, सॉल्ट तो पहले और इसमें एवोपरेट होने के बाद सेम ही होगा, इसलिए हमें इक्वेट करना है. इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अभी क्या आएगा, 763. अभी 63 से एवोपरेट होने से 13 हो गया. अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने से कितना एवोपरेट होगा वही हमें पता चलेगा, वही है 50. एक 50 पार्ट्स किसका इक्वलेंट है, 25 लीटर का इक्वलेंट है. हमें एक पार्ट क्या होगा, 25/50 हाफ होगा. हमें क्या चाहिए, इनिशियल सॉल्यूशन चाहिए. इनिशियल सॉल्यूशन में 7 पार्ट्स साल्ट है और 63 पार्ट्स वाटर है. इन दोनों को जुड़ाने से 7 + 63 = 70 है. सो 70 पार्ट्स कितना होगा, 70 × 1/2 35 लीटर आएगा. इस क्वेश्चन में ए लेबर वर्क्स फॉर 60 आवर पर वीक एंड अर्न्स 2400 एज़ वेजेस. इफ इस per hour wages increases by 40% and duration of work reduced by 16.67%, find the percentage change in his income. ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज.
ऐसा परसेंटेज चेंज आएगा तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परसेंटेज वैल्यू से आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज चेंज ज्यादातर ज्यादा डीए में पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी देखेंगे, अभी पहला क्या है, पर आर वेजेस रुपीज पर आर। अभी ये क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आर। फर्स्ट 40 परसेंटेज को कैसा लिखेंगे, 40/100 कैंसिल होने से 2/5। सो पहला 5 था और 2 इंक्रीज हुआ इसलिए 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी ड्यूरेशन क्या हो रहा है, अभी इधर 16.67 परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है। ये 16.67 परसेंटेज क्या है, 1/6। सो पहले 6 थे, अभी रिड्यूस होने से 1 कम हो रहा है तो इसलिए 5 हो गया। अभी वेजेस क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 पैसा 30, 7 पैसा 35 है। अभी कितना चेंज है, 5 पार्ट्स चेंज है, कितने से, 30 से। इसका परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे और 1 3 3 6 3 18 6 3 18 6 3 18 ये 16.67 परसेंटेज है। बस इसमें 2460 आर पर वर्क हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 12.5% is ₹3,500 less than its principal. Find the sum and simple interest. अभी simple interest में हर साल में interest same ही होगा, ठीक है। अभी rate of interest क्या दी है, 12.5%. 12.5% क्या है, 1/8 होगा, ठीक है। 8 क्या है, 80 principal है, 8 तो प्रिंसिपल है और 8 तो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन ये वाले सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 1 year के लिए है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछे, 3 साल के लिए पूछे। अभी प्रिंसिपल तो 8 है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल के लिए 1 होगा तो 3 साल के लिए 3 होगा। मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट सारे साल में सेम ही होगा, सो 1 × 3 = 3 है। और क्वेश्चन में क्या दिए है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या होगा, 3500 होगा, इसलिए 8 और 3 का डिफरेंस क्या है, 5 है। ये 5 किसका इक्विवेलेंट है, 3500 का। हमें क्वेश्चन में क्या पूछे है, सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछे है। सम क्या है, हम पहले एक पार्ट फाइंड आउट करेंगे, एक पार्ट क्या है, 700 होगा और प्रिंसिपल क्या है, एक पार्ट है, 8 क्या होगा, 8 × 700 5600 होगा। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3 पार्ट, 3 × 700 क्या होगा, 2100, ठीक है। ये वाले ट्रिक ज्यादा ज्यादा अर्थमेटिक प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमें ईच टॉपिक में ये वाले ट्रिक कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। आपको कुछ डाउट है तो आवर मेल आई डी makeitsimple.0105@gmail.com में मेल करना, हम तो जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।